तो भाई ये सिलीगुड़ी बस स्टैंड, यहाँ से गैंगटॉक के लिए, दार्जिलिंग के लिए बैक टू बैक बसेस चलती रहती है, लेकिन मैं तो प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि दार्जिलिंग के लिए बस। जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से देखिए क्या नज़ारा है। तो भाई दार्जिलिंग में अभी इतना क्राउड है कि यार जिस रास्ते के लिए हमें 3 घंटा लगना था वहाँ पे अभी हमें 4.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम कोलकाता के डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके उनका फूड ट्राई करते हैं और आप लोगों को उनका रिव्यू देते हैं, और इसके बीच में अपन पहुंच जाते हैं हुगली रिवर पर, और हुगली रिवर पर अपन करते हैं बोट राइड जो कि मात्र 6 रुपये में करवाई जाती है, और उसके बाद अपन चले जाते हैं एस्प्लेनेड मार्केट में, और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अपन निकल चलते हैं एस्प्लेनेड के बस स्टैंड पर, और वहाँ से अपनी जो है आगे की जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये बस निकलेगी 7:15 बजे और मैं बस के सामने खड़ा हूँ अभी, और मेरी सीट है ये वाली इस तरफ वाली। तो चलो अंदर से भी दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ। तो भाई ये सिंगल स्लीपर है और ये है सिटिंग, तो इसी तरीके से अपना भी सीटिंग है। तो ये सीट है अपना और ऊपर ये है स्लीपर है इस तरीके का, तो स्लीपर इन्होंने अलॉट नहीं किया अभी। तो मेरी ड्राइवर से बात हो जाती है कि अगर स्लीपर का एक भी सीट अगर खाली होती है तो वो मुझे अलॉट कर देगा, और उसके लिए मैं डिफरेंस अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी सीट खाली नहीं जाती है स्लीपर में। भाई शामली वाले का जो है सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से, तो ये देखो पानी की बोतल पहले लगा दी इन्होंने। सॉकेट है, लाइट है, पंखे हैं, एसी है, और भाई सारी गाड़ी जो है स्लीपर है, बिल्कुल भी इसमें सिटिंग की नहीं है। और भाई अभी आधा घंटा और बाकी है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर ही आ चुके हैं, देखो पूरी गाड़ी भरी है। और 7:15 बजे हमारी बस चल पड़ी है। तो जी अपना सफर स्टार्ट हो चुका था कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए, और मैंने पकड़ ली थी अपनी विंडो सीट, और यहाँ से अपन नज़ारों का आनंद ले रहे थे। तो भाई ये देखिए सीट कितनी सारी खाली है, तो सिटिंग वाली तो खाली है लेकिन जो स्लीपर है वो पूरी ऑलमोस्ट फुल है। अभी मैं माँ दुर्गा ट्रेवल्स वाले की बस से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो काफ़ी सही है वैसे यार, सफोकेशन जैसी कुछ नहीं है, और प्लग वगैरह यहाँ पर है, आराम से दिया हुआ है चार्ज करने के लिए, हर एक सीट के पास है और ऊपर स्लीपर में भी है। हाँ एक दो का मतलब टूटा हुआ नहीं है। भाई ने 11:15 बजे गाड़ी रोकी है हाईवे पे कहीं, और भाई इसी ने नहीं बाकी सभी लोगों ने गाड़ी रोकी है, और भाई इसने ऐसी जगह रोका है जहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा टॉयलेट को या फिर कुछ खाना पीना हो। तो भाई सही लग रहा है इसे तो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकता मैं क्योंकि यार अकेला हूँ और मेरे पास सामान भी है, तो भाई फटाफट जाना पड़ेगा। तो भाई ये कुछ है इनका सेटिंग जहाँ पे ये डिनर के लिए रोका है गाड़ी को, और भाई मेरा ड्राइवर मुझे वहाँ सामने दिख रहा है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया, टोकन दिया इन्होंने मुझे। तो भाई दूसरे शहर में अकेले घूमने का मतलब ये है कि आप ढंग से आराम से बैठ के खा नहीं सकते, इसलिए मैं तो पैक करवा लिया हूँ और अब बस के अंदर ही खाऊंगा, और थोड़ा मीठा मैंने करवाया है पैक, और ये टोटल मुझे पड़ा है तकरीबन 160 रुपीज़ का, जिसमें 6 रोटी है और अंडा करी है। चलो अपने बस की तरफ चलता हूँ फटाफट अब यार, ये खड़ी अपनी बस। आने के साथ साथ ये भी लिया है मैं, और पूरी 2 लीटर की बोतल लेकर आऊँ क्योंकि ड्राइवर ने बोला कि अब लंबा मतलब ब्रेक नहीं होगा। और भाई ये कोई लोकेशन थी, तो चलो अंदर बैठते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो भाई ये है एग तड़का, ये रोटी, और ये है कुछ मिठाई और थोड़ी सी सलाद। तो भाई अभी देखिए आधे घंटे पहले तो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और अब देखिए सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो अभी ड्राइवर का ही वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब तक आएगा। 11:15 बजे हम आए थे और 11:44 हो रहे हैं अभी, तो आधे घंटे का ब्रेक तो हो ही गया है। तो भाई मेरी एक रोटी बच गई थी तो मैंने इस डॉगी को दे दी, अब ये पता नहीं क्यों शर्मा रहा है। हाँ जा खा ले। तो भाई 11:50 पे भाई ने गाड़ी चलाई है, तो ड्राइवर भाई साहब ने बोला कि 5 बजे गाड़ी रोकी जाएगी, वो भी सुखू ब्रेक के लिए, और उससे पहले पेट्रोल पंप पे भी ये गाड़ी रोकी है 2-1 बजे के आसपास। तो फिलहाल तो अभी हम बिल्कुल खाली कर चुके हैं टंकी, तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो भाई मैं तो सो गया था, तो इन्होंने यहाँ पे रुके 3 बजे के आसपास गाड़ी, ये सर वो का कोई पेट्रोल पंप है।
तो यहाँ पे लिया तकरीबन 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अभी हम चल रहे हैं 3:30 बजे। The next morning. कल रात के निकले हुए, कल शाम को 7:15 पर हमारी गाड़ी चल गई थी और अभी 10:20 पर हम सिलीगुड़ी पहुँचे हैं, तो तकरीबन 2 घंटा एक्स्ट्रा हमें लगा है, मतलब 15 घंटे के आसपास लग चुका हमें। और अभी देखते हैं दार्जिलिंग के लिए हम शेयर्ड कैब लेंगे। तो वही है सिलीगुड़ी बस स्टैंड, यहाँ से आप गैंगटॉक के लिए, दार्जिलिंग के लिए बैक टू बैक बसेस चलती रहती है, लेकिन मैं तो प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि दार्जिलिंग के लिए बस करें, क्योंकि बस जो है बाहर आपको ड्रॉप कर देगी, और मेन दार्जिलिंग जाने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी ले लें तो बेस्ट रहेगा, तो मैं भी उसी की तलाश में हूँ। और 10 से 15 मिनट के बाद मुझे शेयर टैक्सी मिल जाती है जो कि ऑलमोस्ट फुल भरी रहती है। फिलहाल हम चल पड़े हैं 10:55 पर सिलीगुड़ी से। तो दोस्तों शेयर टैक्सी के किराए के बारे में आपको बता देता हूँ, जो कि 250 रुपीज़ पर हेड पड़ता है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक के लिए, और इसमें आपको लगने वाला होता है 3 घंटे का समय, और इस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हमें 3 घंटे से भी ज़्यादा, मतलब 4.5 से 5 घंटे लग चुके थे हमें। और रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर पॉइंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी जो देखने को मिल रही थी हमें हर जगह। तो भैया ने अभी मिड में कहीं रोका ब्रेक के लिए, क्योंकि गाड़ी भी गर्म हो जाती है तो उसको भी रेस्ट करना ज़रूरी है। और अभी इतनी खूबसूरत गाड़ी के जस्ट सामने हम, और रास्ते के मिड में ही है अभी, तो ये हमारी गाड़ी है और देखो हम कितने एल्टीट्यूड पे आ गए। तो आपको दिखाते हैं इस कैफ़े के पीछे का नज़ारा, ये देखो भाई हमारे को पैसेंजर फोटोज भी लेने लग गए, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और केसर मिल्क तो अब यही पी के गुजारा करना है, क्योंकि आज फर्स्ट है तो खाना शाम को ही खाएंगे। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से देखिए क्या नज़ारा है। तो 10 मिनट का ब्रेक हो गया ओवर, और अभी चलने की तैयारी चल रही है, तो ड्राइवर भाई साहब आ रहे हैं और सब पैसेंजर बैठ चुके हैं। 12:24 हो गए, यानी कि हमें 2 बज जाएंगे अभी पहुँचते पहुँचते। तो अभी हमें कुर्सियों, और अभी यहाँ से हमें लगने वाला 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे भी लग सकते हैं अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो। यार जून के महीने में वेकेशंस ऑन थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था दार्जिलिंग की तरफ, जिस वजह से हमें भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था दार्जिलिंग पहुँचने में। दार्जिलिंग में बहुत पुरानी इमारतें हैं, जिधर से मलबा टूट टूट के गिर रहा था हमारे सामने ही गिर गया था ये पाइप पे से, तो भाई साहब साइड में कर रहे थे ये। तो भाई क्वीन ऑफ हिल्स में आपका स्वागत है, और भाई ने मेरे को 3:40 पर पहुँचा है यहाँ पे, तो पूरे 4.5 घंटों की राइड हुई है हमारी यहाँ पर। तो भाई दार्जिलिंग में अभी इतना क्राउड है कि यार जिस रास्ते के लिए हमें 3 घंटा लगना था वहाँ पे अभी हमें 4.5 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग गया। और ट्रैफिक की हालत तो आपने देख ही ली कि हर जगह ट्रैफिक है, तो इसी चक्कर में हम भी काफी ज्यादा लेट हो गए, और अभी वेकेशन स्टार्ट हुए बच्चों के, तो इसलिए यार दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा ओवर क्राउड आ रहा है। और अभी मैं जिस गली से जा रहा हूँ आपको मेरे पीछे गाड़ियाँ दिख रही होगी, तो बहुत ही सकरे से और बहुत ही चढ़ाई वाले रास्ते हैं, जहाँ पे उन भाई ने हमारे को छोड़ा था, तो वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो अभी लास्ट 24 घंटों में मैंने इतना सफ़र किया है भारी, तो अभी जाके मुझे नहाना है सबसे पहले, तो अभी 4 बज चुके ऑलरेडी, तो फोटोज़ देखने लग गए यहाँ पे। तो भाई जिन लोगों ने शिमला घूमा हुआ है तो दार्जिलिंग भी उसी तरीके का बना हुआ है, और वैसा ही कुछ माल रोड है, तो मुझे दिखाई दे रहा है इधर, ये देखो ऐसे चलना पड़ता उसके लिए भी। तो अभी ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद डाउन साइड जाना है चौरस्ते के लिए। तो ये आ गया अपन माल रोड पर, और भाई बिल्कुल शिमला वाला ही है, देखो बिल्कुल ग्राउंड एक ऐसा क्लियर मिला हुआ है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट भी वैसा ही है, और ये बड़ी स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, बहुत ही सुंदर है यार। तो अभी मेरे हाथ में ये बैग नहीं होता, तो ये बैग की वजह से, और होटल भी नहीं किया अभी तक हमने, तो अभी पहले सबसे पहले होटल वगैरह रूम वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ
यहाँ की लेमन टी भी टेस्ट कर लेते भाई। अल्टीमेट है तो भाई, माल रोड पे कोई भी बंदा बाइक चलाकर नहीं ले जा सकता, तो मैंने ऐसे चार बाइकें देखी और वो देखिए आपके सामने बुलेट भी लेकर आ रहा है। तो भाई यहाँ पे अलाउड नहीं है, अगर आप बाइक लेकर चलाते हैं तो उस पर चालान हो जाएगा। तो देखिए वो भी आ रहा भाई पैदल पैदल, तो इसी तरीके से सारे यहाँ पे पैदल ही गाड़ी को क्रॉस करवाते हैं। तो भाई घूमते फिरते यार पूरा माल रोड और पूरा मनाली घूम लिया, और जिन होटल वाले भैया से बात की थी वो खुद आए हमें लेने के लिए,